हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेवी स्पेशल टेक एजुकेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी वेस्टर्न रेलवे से जो वैकेंसी आपके लिए निकल कर आई हुई है, किन कैंडिडेट्स के लिए यह वैकेंसी आई हुई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप फॉर्म को फिल कर पाएंगी, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और कौन कौन सी वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए कितनी पोस्टें आई हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट वाली इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए सबसे पहले लाते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कौन सा नोटिफिकेशन आपके लिए जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी आरआरसी के लिए, आरआरसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है, जो कि मुंबई की तरफ से निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पार्सल डिपोट एलिभाई प्रेमजी रोड, ग्रांट रोड ईस्ट, मुंबई 400007। तो यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस की वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर ये जो है 18 मई 2021 को अपडेट किया गया नोटिफिकेशन है। ओपनिंग डेट एंड टाइम की बात करें तो आप 25 मई 2021 से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि क्लोजिंग डेट की अगर बात की जाए तो 24 जून 2021 तक आप रेलवे के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आपके साथ डिस्कस कर ली गई हैं, आप कैसे फॉर्म को फिल कर पाएंगे, कितनी डेट्स जो हैं, कितनी इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए यहां पर हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर आपकी मिनिमम आयु 15 ईयर्स एंड मैक्सिमम आयु आपकी 24 ईयर्स यहाँ पर होनी चाहिए। एसटी एससी के कैंडिडेट को यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर कि जो है यहाँ पर अलग अलग एज क्राइटेरिया के आधार पे अलग अलग जो है छूट यहाँ पर दी जाने वाली है। तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन की हम यहां पर बात करने वाले हैं। आईटीआई सर्टिफिकेट एफिलेटेड टू एनसीबीटी एससीबीटी कंपलसरी इन रिलेवेंट ट्रेड असेंडर, यानी अगर आपने किसी भी ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, फिटर ट्रेड, वेल्डर ट्रेड, टर्नर ट्रेड, मशीनिस्ट ट्रेड, कारपेंटर ट्रेड, पेंटर ट्रेड, मैकेनिक डीजल यानी डीजल मैकेनिक ट्रेड, मोटर मैकेनिक व्हीकल, प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक, पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, स्टेनोग्राफर। तो यहाँ आईटीआई की लगभग जितनी भी पोस्टें होती हैं, जितनी भी ट्रेडें होती हैं, उन सभी पोस्टों के लिए यहां पर जो है वैकेंसी निकल कर आई हुई है। अगर आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई किए हुए हैं तो बिंदास आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहां पर आपको यहां पर आईटीआई ट्रेड्स के बारे में बताया गया है और आईटीआई की ट्रेड का नाम यहाँ पर आपको दिया गया है कि अगर आपने इन दी गई ट्रेडों में किसी भी ट्रेड से अगर आईटीआई किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए, ये जानकारी आपको पता चल गई होगी कि कौन कौन सी ट्रेड से यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी निकल कर आई हुई है। अगर हम बात करें तो आपने एसएससी प्लस आईटीआई कंप्लीट किया होना चाहिए जो है नोटिफिकेशन आउट के होने से पहले। इसके अलावा अगर आपने अप्लीकेंट फेल्ड इन आईटीआई शुड नॉट अप्लाई इन केस एनी फेल्ड एप्लीकेंट इन एंगेज्ड इंडिविडुअली ही शिल बी टर्मिनेटेड सेमरली फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विदाउट एनी फर्दर नोटिस। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप इसके लिए जो है वैलिड नहीं है, ये आपके लिए जो है ट्रेनिंग यहाँ पर आपको नहीं दी जाएगी। ट्रेड वाइज स्लॉट आपको यहां पर दिया गया है कि कौन सी ट्रेड जो है कितने पोस्ट यहां पर निकाली गई हैं। तो हम आगे बात कर लेंगे कि कौन सी ट्रेड में कितनी वैकेंसी यहां पर आपको मिलने वाली है। तो यहां पर एप्लीकेशन फ़ी की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि पेमेंट ऑफ फ़ीस आप देख पा रहे हैं, यहां पर आपको नॉन रिफंडेबल 100 रुपीज़ जो है फ़ी के रूप में लगने वाले हैं, जबकि एसटी एससी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स जो भी अप्लाई फॉर्म को करेंगे, फॉर्म फिल जो भी करेंगे एसटी एससी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट, उनको यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी फ़ीस नहीं देनी होगी। इसके अलावा
यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको बहुत सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में भी बताया गया है कि क्या उनकी जो मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के जो भी अवेलेबिलिटी है वो उस फॉर्म को फिल कैसे कर पाएंगे या क्या उनके लिए स्पेशल छूट यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की भी हम बात कर लेते हैं कि जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत यहाँ पर आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर होना है। मेरिट में आपके परसेंटेज जितना आपने आईटीआई में जो है प्राप्त किया हुआ है उसको और मिनिमम 50% आपके 10th में होना चाहिए। उस दोनों को वेट करके वेटेज में आपका जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। यहाँ पर कोई भी रिटर्न टेस्ट और वाइवा आपका नहीं होना है, यानी सीधी भर्ती है। आपको फॉर्म फिल करना है, अगर आपके अच्छे परसेंट या अच्छे मार्क्स जो हैं अच्छे मार्क्स आपके हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको मेरिट में आने पर आपको डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का रिटर्न टेस्ट और वाइवा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम और बात कर लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड की। तो ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर 1 ईयर आपका रहने वाला है, यानी यहाँ पर आपको परमानेंट जॉब नहीं दी जाएगी, यहाँ पर केवल आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग दी जाएगी और आपकी ट्रेनिंग जो है यहाँ पर समाप्त कर दी जाएगी। यानी आप कंटिन्यूस वहाँ पर जॉब के लिए आप जो है अप्लाई नहीं कर रहे हैं, 1 ईयर की ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पर किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं स्लॉट्स 2021-22 के लिए। यहाँ पर जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट मुंबई डिवीज़न जो है मुंबई सेंट्रल डिवीज़न में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में फिटर ट्रेड के लिए 153 वैकेंसी हैं, यानी बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आपने फिटर ट्रेड से एनसीबीटी से या एससीबीटी से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके लिए एनसीबीटी और एससीबीटी यहां पर दोनों वैलिड हैं, जबकि वेल्डर गैस एंड आर्क वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग ये सारे कैंडिडेट्स यहां पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कारपेंटर के लिए 23 पोस्ट यहां, पेंटर के लिए 5 पोस्ट, डीजल मैकेनिक की 25 पोस्ट यहां पर निकल कर आई हुई हैं, जबकि मोटर मैकेनिक या मोटर व्हीकल की जो है 4 पोस्ट यहाँ पर निकल कर आई हुई है। तो अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी यहाँ पर फिटर की 15 पोस्ट हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स अलग अलग डिपार्टमेंट में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है तो आपके लिए यहाँ पर बड़ोदरा जो है डिवीज़न के लिए भी वैकेंसी है ना। तो अहमदाबाद डिवीज़न के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, फिटर ट्रेड के लिए 97 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर अप्रोक्सीमेट 3000 अबोव पोस्ट हैं, तो आपको यहां पर फॉर्म को फिल करना चाहिए। और मेरिट बेस पे यहां पर सिलेक्शन है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया हुआ है तो यहां पर आप जो है अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं और अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपके लिए यह जानकारी हेल्पफुल रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।